दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को ईडी कार्यालय जाना था, जिसको देखते हुए जेएमएम के कार्यकर्ताओं का आक्रोश रैली भी हम लोगों को देखने को मिला था। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीएमओ से एक लेटर गया था, जिसमें 3 सप्ताह का समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांगा था। चूँकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समन जारी होने के बाद अपना शेड्यूल जो है 15 नवंबर तक जारी किया था और अपना पूरा व्यस्त कार्यक्रम जो है वो जनता के बीच रखा था, और उसी के हवाले उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा था, जिसको लेकर के हमने हमारे बड़े संवाददाता से भी बातचीत की है, जो कि ईडी को काफ़ी गहराई से देखते हैं, समझते हैं। हम लोग सीधे उनसे जुड़ेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इन 3 सप्ताह के मोहलत को लेकर के। मुख्यमंत्री महोदय को जब नोटिस किया गया था इलीगल स्टोन माइनिंग के मामले में, तो ठीक उसके अगले दिन मुख्यमंत्री महोदय का जो शेड्यूल है, ऑफिशियल शेड्यूल है, वो निकला था, जिसके मुताबिक 15 तारीख तक वो व्यस्त हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने 3 सप्ताह का समय मांगा है। यद्यपि अभी तक ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके इस टाइम पिटिशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और अमूनन देखने में यह आता है कि अगर किसी वैलिड ग्राउंड पे, वैलिड रीजन के आधार पे अगर कोई एक्सटेंशन, टाइम एक्सटेंशन मांगता है तो ईडी दे देती है। लेकिन मैंने अभी जो लीगल स्टोन माइनिंग का जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मैंने उसमें ऐसा नहीं देखा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 20 दिन या 21 दिन का मोहलत दिया हो। अब चूंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी अपनी व्यस्तताएँ हैं, उनके अपने शेड्यूल्स हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। उनको भी ईडी जरूर कंसर्न होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले को अपने हेडक्वार्टर को रेफर कर दिया है कि इसमें मुख्यमंत्री महोदय को कितना समय दिया जा सकता है, जो ग्राउंड्स जो मुख्यमंत्री महोदय ने दिए होंगे उसको एसेस करके जो हेडक्वार्टर है, सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस मामले को देखेगी। तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का समय दिया जा सकता है, चूँकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और टाइम मांग सकते हैं। तो आपने हमारे वरिष्ठ संवाददाता को सुना, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय ले सकते हैं, और साथ ही साथ उनका जो व्यस्त कार्यक्रम है वो जारी किया गया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कहीं देखा नहीं गया है कि इतना लंबा समय ईडी की ओर से किसी को दिया जाता है। तो देखना ये होगा कि ईडी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कितना समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया जाता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार प्राची से, मैं पूजा, नमस्कार।